नमस्कार बच्चों। तो हम लोगों ने 2.2 खत्म कर लिया था। और बच्चों डाउट भेज दो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ। जिसके कोई डाउट आउट है भेज दो, ठीक है? जरूरी है, क्योंकि डाउट क्लियर होते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ तो हाँ, डाउट कवर करते चलिए, ठीक है? अच्छा तो हम शुरू करते हैं बच्चों, आज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है? वैसे मैंने ये करने के लिए दिया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे हो भी गया होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ठीक है भाई? क्या है 2 sin inverse 3/5। अब एक काम करते हैं ना भाई, अगर यहाँ पे 2 tan inverse होता, देखो अगर ये 2 tan inverse x होता तो मजा सा आ जाता। क्यों क्यों मजा सा आ जाता भाई? हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते, हम इसमें क्या कर देते भाई, एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते जल्दी बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? हम फॉर्मूला अप्लाई करते tan inverse 2x/1 - x2। यही करते हैं ना, 1 - x2, ये वाला फॉर्मूला कर देते। तो बस मुझे यहाँ पे sin inverse 3/5 को ना किसी भी तरीके से tan के टर्म में लेके जाना है। किसके टर्म में लेके जाना है? tan के टर्म में। तो देखो कंसीडर, या एक काम करो लेफ्ट हैंड साइड छोड़ो, सीधा लिखो कंसीडर, कंसीडर sin inverse 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू x। उठा के ले जाओ उधर, तो ये बन जाएगा sin x = 3/5, हाँ कि ना? अरे बोलो, बन जाएगा। अच्छा अब मुझे cos x निकालना है, तो cos x क्या होता है? 1 - sin² x, सही बात है? तो 1 - sin² x मतलब 3 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 - 9/25, है ना? तो 25 - 9/25, और ये कितना आ जाएगा आपका 16/25, कैंसिल आउट होके +-4/5। लेकिन आपको तो पता है कोई क्वाड्रेंट वगैरह हमें डिफाइन है नहीं, तो प्लस की ही वैल्यू लेंगे, ठीक है? अच्छा 4/5 आ गया, ये तो कॉस आया, लेकिन हमें तो कहाँ जाना है, हमें तो टेन में जाना है भाई। तो टेन एक्स क्या होता है? sin x / cos x, सही बात है? तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 3/5, 3/5, और कॉस एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो इसका मतलब टेन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3/4। तो मैं यहां से टेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना? तो टेन जब इधर इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो बन जाएगा क्या? tan inverse 3/4, और x हमारे पास क्या आ गया भाई? x हमारे पास आ गया tan inverse 3/4। अब देखो ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह पर ये पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल, सुनाओ सुनाओ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin inverse 3/5 है, ठीक है? 2 sin inverse 3/5 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? tan inverse 3/4। वाई? क्योंकि बच्चों ये भी टेन के बराबर, ये भी एक्स के बराबर, और क्या भाई, ये भी एक्स के बराबर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो 2 tan inverse x के का फॉर्मूला क्या बनता है? टेन इनवर्स प्यारा सा 2 × x, x की जगह पे 3/4, 1 - x² मीन्स 3/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए क्या बनेगा ये? 2 tan inverse, 2 tan inverse, 2 से 4 को काटेंगे 2 3/2 / 1 - 3 का स्क्वायर 9/16। 2 tan inverse 3/2 सॉल्व करो, 16 - 9 = 7/16, हाँ कि ना? अरे बोलो। अच्छा और 2 tan inverse रेसिप्रोकल पलट देंगे ना, पता है ना क्यों? फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन पलट देंगे। कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है, यह आ गया 8 times में, तो कितना आता है जल्दी बोलो? 8 * 24/7, क्या यही प्रूफ करना था हमें? हो गया, हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूफ करना था? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दी यार यहाँ पे, कुछ गड़बड़ कर दी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन तो सही लिखे, एक मिनट एक मिनट। ओहो सॉरी 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 भाई, 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है ना, सॉरी मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक? हमारा फॉर्मूला था 2 tan inverse x इज इक्वल टू 10 inverse 2x / 1 - x², ठीक है? मिस, ये मिस हुआ है कि 2 tan inverse x है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा बस, ठीक है? बाकी सब कुछ सही है। चलो फॉर्मूले में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है? ये फॉर्मूला था, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है? बाकी सब कुछ सही है। फॉर्मूला तो हमारा क्या बन रहा है? 2 tan inverse x इज इक्वल टू 10 inverse 2x / 1 - x², ठीक है? जल्दी करो इसे फटाफट। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड,
थर्ड करते हैं, चलो थर्ड करा देता हूँ। थर्ड नहीं, थर्ड तो ये यही, ये तो थर्ड ही था ये, सॉरी यार ये सेकंड नहीं, थर्ड है ये क्वेश्चन नंबर, थर्ड है ये, फोर्थ कराता हूँ इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो अभी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, मिसलेनियस का फोर्थ क्वेश्चन, बस समझते हैं। चलो आज मैंने क्या कहा है कि भाई इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिगो की मैं एक क्लास और लूंगा बस, इसके बाद आपका पूरा एनसीईआरटी से भी खत्म हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबल करूंगा तो हद से हद आपका ये मान के चलो कि आपका इसमें से भी खत्म हो जाएगा, एमएल अग्रवाल से भी 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट वो करवा दूंगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स 8/15, सॉरी 17, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे छोटा छोटा लिखा होता है ना फोन में, दिखता नहीं सही से, प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या है भाई, टेन इनवर्स 77/36, टेन इनवर्स 77/36। अब तुम्हें पता है इसे मैं पांच तरीके से कर सकता हूं, पांच नहीं सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, चार तरीके से इस क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं हम, चार तरीके से, लेकिन उन चार तरीकों में से दो तरीके तो ऐसे हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कैलकुलेशन क्या है वो भी, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको दो ऐसे तरीके सिखाऊंगा, इसके दो तरीके सिखा दूंगा मैं आपको, जिसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी कम है, ठीक है, और सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दो तरीके सिखाऊंगा, वैसे चार तरीके से कर सकते हैं लेकिन दो कर लो बहुत है, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि अगर ऐसे नहीं कर सको तो वैसे कर लो, ठीक है। दो तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, तो मैं फर्स्ट टाइप से करके दिखा रहा हूं, पहले फर्स्ट टाइप से करके दिखा रहा हूं कैसे, ध्यान से सुनना इधर। ये देखो ये कौन है, साइन, ये कौन है, साइन, लेकिन प्रूफ क्या किया है, टेन, मतलब ये तो आपके साथ एक तरह की धोखाबाजी हुई। क्या धोखाबाजी भाई, दिए 5 रुपए का नोट, फिर 5 रुपए का नोट, अब बदले में तुम्हें 10 रुपए मिलने चाहिए, 9 रुपए का नोट पकड़ा दिया, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन भाई क्या, अब भाई हम मैथमेटिशियन हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम कौन है, मैथमेटिशियन, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, 9 रुपए का नोट बनाना ना, बना के दिखाएंगे। तो देखो कैसे भाई, साइन साइन को 10 तक पहुंचाना है, कोई दिक्कत नहीं जी, ये लो अभी देखो क्या करके दिखा देंगे हम। हाँ भाई कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करोगे, साइन इनवर्स 8/17 को किसके बराबर, एक्स के बराबर। इसके बाद की दुनिया मेरे हिसाब से आप जानते हो क्या करना चाहिए, साइन को उठाकर उधर ले जाओ, साइन एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो प्यारे प्यारे शब्दों में बोलो, साइन एक्स बराबर क्या बन गया, 8/17। अब आपको पता है साइन का जो भाई दोस्ती यार, ये दोस्ती यारी मित्र भाव जो चल रहा है जिसके साथ ये क्रिकेट खेलता है वो कौन है, कॉस एक्स। चलो भाई कॉस एक्स बराबर √1 - sin²x, कोई दिक्कत, इसके बाद हम यहाँ पे झंडे गाड़ देंगे जी, 8/17, 1, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, 289 बच्चों इंग्लिश में होता है 289, ठीक है ना, घबरा मत जाना कौन सी भाषा बोल गए, ठीक है। 289 को 1 से 289 - 64, 289। अब आपको मैं ये बता दूं, 289 में 64 जाएगा, 225 आएगा, 289, 225 होता है 15 का अंडर रूट, और इसका ये किसका होता है, 17 का। तो बच्चों कॉस एक्स की वैल्यू जल्दी बोल दो कितनी आ गई, 15/17, अच्छा ठीक है 15/17 आ गई। तो जल्दी से अब क्या है भाई, हमें तो 10 तक पहुंचना है ना, तो 10 निकालो यार, क्या दिक्कत है, 10x = क्या होता है जल्दी बोलो, sin x / cos x, sin x कितना है 8/17, cos x कितना है 15/17, 17 कट गया 8/15, 10x आ गया कि नहीं आ गया जल्दी बोलो, x की वैल्यू निकाल लो क्या बचेगा, 10 inverse 8/15, कोई दिक्कत भाई, ये भी x के बराबर। चलो मैं इसको ना रेड से ही लिखता हूँ, इसको मैं रेड से ही लिखता हूँ बकायदा, ये क्या बन जाएगा भाई उधर जाके, एक्स बराबर 10 inverse 8/15। तो जरा ध्यान से देखना, हाँ जी क्या दिखा आपको, कि ये भी एक्स के बराबर है और ये भी एक्स के बराबर है। तो क्या मैं साइन इनवर्स 8/17 की जगह 10 inverse 8/15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, अब तो रात चल रहा है हमारा नाउ। अब क्या करेंगे, अब इसको उठाएंगे, कंसीडर क्या कंसीडर करने वाले हो, देखो हाँ जी साइन इनवर्स 3/5
किसके बराबर ले लोगे? y के। किसके बराबर ले लोगे? y के। ठीक है, तो ये 3/5 है, तो ये बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब आप पूरा प्रोसेस जानते हो कैसे, पहले कॉस निकालोगे फिर टेन निकालोगे, लेकिन भाई मुझे तो ट्रिक पता है तो मैं डायरेक्ट टेन निकाल के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे प्रोसेस लिखना है, पूरा पूरा प्रोसेस लिखना है, कॉस वाला ये वाला सारा प्रोसेस। उसके बाद आपका जब टेन वाई आएगा तो बच्चों वो टेन वाई क्या होगा जानते हो? ये पर देखो मैं ना टेंथ वाले हिसाब से कर दूंगा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो बेस कौन होगा? फोर। बेस कौन होगा? फोर। तो भाई क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/4 आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी पी पी बी पी एच एच बी, यानी पी अपॉन में बी, तो यानी 3/4। तो बच्चे वाई की वैल्यू क्या हुई? टेन इनवर्स 3/4। एक मिनट रेड से लिख देता हूं, तो y की वैल्यू क्या हुई? टेन इनवर्स 3/4। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैंने कॉस नहीं निकाला, यहां पे आपको प्रोसेस खुद लिखना है बस, क्योंकि मैं तो सिखा तो चुका हूं। ठीक है, बस आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी? टेन इनवर्स 3/4। तो बस बात खत्म, बात खत्म। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, बच्चे लेफ्ट हैंड साइड कितना है? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब जल्दी बताओ, साइन इनवर्स 8/17 एक्स है और टेन इनवर्स 8/15 भी एक्स है। तो भाई जब मुझे आंसर टेन में चाहिए तो मुझे चेंज भी टेन में ही करना पड़ेगा, तो क्या मैं इसकी जगह पे टेन इनवर्स 8/15 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी तरह से साइन इनवर्स 3/5 वाई के बराबर है और टेन इनवर्स 3/4 भी वाई के बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, टेन इनवर्स 3/4। अब देखो टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है ना, 8/15 यानी ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। क्या कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? नहीं। चलिए सॉल्व कर देंगे टेन इनवर्स, हाँ भाई 8 चौक 32, 15 3 45, 15 चौके 60, घबराना मत टेबल पढ़ रहा हूँ, 8 3 24, 15 चौके 60। हाँ जी टेन इनवर्स 32 और 45 कितना होता है? 77/60, और ये होगा कितना? सॉल्व करेंगे 60 माइनस 24 कितना होता है बच्चों? 60 माइनस 24 कितना होता है? 36 अपॉन में 60, 60 से 60 कट गया, टेन इनवर्स 77/36 हैंस प्रूव्ड। है ना नकली क्वेश्चन? बोलो है कि नहीं नकली? बस यहाँ पे ये इतना स्टेप खा गया मैं, ये आपको खुद रखना है, खुद पुट करना है यार। ठीक है, कॉस निकालने वाला जल्दी नोट करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर भाई 3 है ना, अच्छा इसी का सेकंड टाइप भी तो कराना भी, चलो सेकंड टाइप भी कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो इसी का सेकंड टाइप भी सिखा देता हूं। देखो इस टाइप में क्या था, कैलकुलेशन कम थी, फॉर्मूला ज्यादा लगाना था, लेकिन अब देखना क्या होगा। अब एक ही बार कैलकुलेट करना है, इसका जो सेकंड मेथड मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही कराऊंगा आपको। ठीक है, इजी भी है, टेन इनवर्स 77/36। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे साइन साइन है, यहां पे टेन है, अगर मैं इस टेन को ही साइन में चेंज कर दूं तो मेरा भाई साइन वाला ही बवाल मचाना पड़ेगा, बस बस खत्म कहानी जी। कंसीडर कंसीडर टेन इनवर्स 77/36 इज इक्वल टू क्या मान लो? मान लो ए, मान लो ए, तो भाई टेन इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? टेन ए बराबर 77/36। ठीक है, यही बनता है ना। अच्छा अब क्या करो, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, आप sec a निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? sec a कैसे? अंडर रूट 1 प्लस tan² a, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 प्लस tan का 77/36 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई 1 प्लस 77 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो बहुत सिंपल भाई, 49 का 9 रह गया 4, 49 और 4 49 इंटू में 2 98 और 4 102 होते हैं, और 2 10 49 और 10 59। ठीक है, इतना ही होगा ना? अरे होगा कि नहीं? और 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का 6, ठीक है 36 का 6 रह गया 3, 6 3 18, 2 36 और 3 39 का 9 रह गया 3, 3 9 9 और 3 12।
ठीक है, 1296, ठीक है, सॉल्व करो, 1296, 5929, 1296, हाँ बस ये है यार, देखो कैलकुलेशन तो इसमें है तगड़ी, ठीक है, कैलकुलेशन इसमें है तगड़ी, 9 और 6 5 1, ठीक है, और ये कितना है, 9 2 11 और 1 12 1, 9 2 11 और 1 12 1, 5 और 1 6 1 7, और 1 9 6, अब देखो 72 25 किसका होता है, शायद 55 का होता है क्या, देखना जरा, नहीं ये 85 का होता है शायद, 85 का होता है ना, 85 का, देखो ना, 55 25, 8 9 72, ठीक है, ये भाई ये किसका होता है, देखो यार मेरे को तो सारी ट्रिक्स वगैरह याद हैं तो इसलिए मैं फटाफट कर देता हूँ, लेकिन आपको तो भाई इस चीज के लिए करना आना चाहिए, और इसको करते कैसे हैं आपने छोटी क्लासों में सीखा है, 7 7 2 5, ठीक है, पता ही है ना, 5 से, समझ रहे हो, 5 से करोगे तो क्या आएगा, 1 4 4 5, फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है, 8, फिर कितना आएगा, 9, फिर 17 से करोगे 17, फिर 17 से करोगे 1, ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर बन जाएगा भाई, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, तो 17 5 85, यानी ये किसका आ गया, 85 का, और ये किसका है, 36 का, ये तो हम जानते हैं, तो सेक ए क्या आ गया, सेक ए, ए निकाल लो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेक इनवर्स 85/36, तो ए आ गया, ए आ गया, अच्छा अब किसकी बारी है हमारे पास, अब हमारे पास किसकी बारी है, हाँ भाई सेक ए से टेन निकालने का, या एक काम करो यहाँ पे सेक है ना, सेक ही छोड़ दो, कॉस करो इसको, हाँ भाई कॉस ए क्या होगा, 1 अपॉन में सेक ए, सेक ए क्या होता है, 85/36, पलट दोगे 36 - 85 कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू आ गई, अब जब कॉस ए आ गया तो साइन ए निकाल लो, नाउ अब आपको पता है साइन कैसे निकलेगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 - √cos² a, तो 1 माइनस, हाँ भाई 36/85 का स्क्वायर, हाँ जी तो 1 कितना है, 1 ही है, 36 कितना है, 36 है 1296, और ये 85 कितना है, 85 1200, सॉरी 7225, माइनस कर दोगे, माइनस करके तुम्हारे पास क्या आएगा, 5 5929, ठीक है, अपॉन में 7225, अच्छा 5929 किसका था, 77 का, और ये किसका है, 85 का, तो साइन ए आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स 77/85, तो ये था, तो यानी कि क्या मैं टेन इनवर्स 77/36 की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, तरीका तो एक और भी है यार, लेकिन पता है 10th वाले तरीके से तो फिर वो अच्छा रहेगा नहीं, तो तुमने यहाँ से क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, ठीक है, क्या निकाल लिया, ए, तो इसकी जगह पे पुट कर सकते हो, सो आप यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या है, टेन इनवर्स 77/36, यही है ना, सो नाउ क्या हम कह सकते हैं, टेन इनवर्स 8/17 प्लस सॉरी साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5, और साइन इनवर्स कितना है ये, 77/85, यही है ना, अब देखो इधर देखना जरा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या ये आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जैसा लग रहा है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस प्लस वाई अंडर रूट 1 - x², यही फॉर्मूला होता है ना, तो मतलब यही है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तरीका ठीक ठाक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो मैंने आपको फर्स्ट तरीका सिखाया ना, आप लोग उसी से करना, इससे मत करना, इसमें कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है कि परेशान हो जाओगे, बस मुझे तो सिखाना था, एक फॉर्मेलिटी थी कि बस चलो सिखाना है भाई दो मेथड से, तो सिखा दिया, एक्स कितना है, एक्स कितना है 8/17 अंडर रूट 1 माइनस, हाँ भाई कितना है ये, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, वाई कितना है 3/5 और ये 1 - 8 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, 8/17 डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, 25 में से 9 हो गया 16/25 जो कि होता 4/5, ठीक है, हाँ भाई ये होता 289 - 64 225, तो 225/289 कितना होता है 15/17, कोई दिक्कत, ठीक है, चलो साइन इनवर्स, हाँ भाई 17 5 85, 8 6 32, 17 5 85, 15 3 45, ऐड करोगे, ऐड करोगे तो क्या होगा, 32 और 45 77, और ये क्या आ जाएगा 85, क्या यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ये आप लोग जो मोस्टली फंसोगे ना तो वो यहां फंसोगे, इसमें इसमें फंसोगे, तो भाई देखो मैंने दो मेथड से सिखा दिए, जो पसंद हो उससे करो, लेकिन भाई मैं तो मुझे पता है कि आपको मेथड नंबर फर्स्ट ही पसंद आया होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा टेंशनबाजी नहीं है, बाकी कर लो इसे, मेरा तो काम कराना है, मैंने कराया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 5। ये तो पूरा का पूरा कॉस में है, तो इसमें तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ काम खत्म करो। नोट हो गया होगा ये तो, दो मेथड सिखा दिए ठीक है, अब जिससे मन करे कर दो बस, लेकिन करना जरूर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 और कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है ये दिया हुआ प्रूफ करने के लिए, देख ले भाई। हाँ भाई बच्चों शेरो फटाफट देखो इधर, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्रूफ करना, कॉस इनवर्स 33/65 कैसे होएगा ये, ऐसे जैसे कैसे क्या किया था थैनोस ने, चुटकी बजाई थी काम हो गया था, सेम यही काम यहां करना है। चलो अगर यहां पे लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, जल्दी से आंखें बंद करो ठीक है, सपने देखो, सपने में क्या नजर आया, ये ऐश्वर्या कौन बोल रहा है ठीक है ये, हाँ अरे भाई वो ऐश्वर्या बाद में देखना, पहले यहां देखो, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² 1 - y² ठीक है, क्या यही फॉर्मूला था, अगर बीच में प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला रटा रटाया हमारा, बस जी चिपका दो यहां पे। देखो जी चिपकाने में माहिर होने चाहिए सभी ठीक है, एक्स की जगह पे 4/5, वाई की जगह पे 12/13 माइनस अंडर रूट 1 - x² 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 अंडर रूट 1 - y² वाई का मतलब 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 ठीक है, कॉस इनवर्स, हाँ जी काटना पीटना कुछ नहीं है, 12 12 चौक 48, 13 पंजे 65, देखो नीचे मैच करना शुरू कर गया ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, हाँ भाई 25 - 16 कितना होगा जल्दी बोलो, 9/25, हाँ भाई 169 - 144 25/169, कोई दिक्कत, लो जी हो गया प्रूफ, 48/65 ये कितना आएगा, 3/5 ये कितना आएगा, 5/ जल्दी बोलो फटाफट 13 ठीक है, सॉल्व कर दो, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 * 3 = 15 और 13 * 5 = 65, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, इसका मतलब 48 - 15 नीचे 65, 48 में 15 जाते कितने बचते हैं जल्दी बताओ, 33/65 हैंस प्रूव्ड। कुछ करना था, 4 लाइन का क्वेश्चन था, 4 लाइन का क्वेश्चन है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। अरे मैं नहीं करा रहा यार खुद कर लो, अब बोलोगे क्यों नहीं कराओगे तो मैं बता रहा हूं ना क्यों नहीं कराऊंगा। हाँ ये तुम्हारा कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 56/65। अब बताओ समझ में आ गया क्यों नहीं कराऊंगा मैं, पता हो गया क्यों नहीं, क्योंकि इस कॉस वाले को बड़े प्यार से आप किस में चेंज कर दोगे, साइन में, उसके बाद आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते हो, उसके साथ आपका नाता बहुत पुराना है, लगाओ फॉर्मूला जीत जाओ जंग, इसलिए क्या कराऊं मैं नहीं, बस बच्चे होशियार है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ये करा देता हूं यार, ये करा देता हूं, ये करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 ये क्वेश्चन नंबर 6 है 6 ठीक है, हाँ इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, मैंने बता दिया क्या करना है। चलो भाई फुर्ती से आ जाओ यहां पर, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा एक खुशखबरी बता दूं सभी को, पता है क्या खुशखबरी, टेस्ट होने वाला है, अभी क्लास क्लास में टेस्ट अनाउंस करूंगा ठीक है, खुशखबरी यही है भाई, चलो शुरू करते हैं। अरे 16 ही है 65 है, हाँ 16 ही है ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ जी क्या करना चाहिए जल्दी बोलो, क्या कर सकते हैं हम, देखो एक काम करो, या तो सबको साइन में बनाओ, या तो सबको साइन में बनाओ,
या तो सबको टेन में बनाओ, या तो सबको क्या करो भाई, या तो कॉस में बनाओ, या तो सबको किस में बनाओ, कॉस में। अब ये नहीं कहोगे कि सर साइन में बना ले तो क्या होगा, कोई बच्चा कहेगा सर कॉस में बना ले तो क्या होगा, कोई कहेगा सर टेन में बना ले तो क्या होगा, अरे किसी में भी बनाओ आंसर आएगा बस यही होगा, ठीक है। हाँ तो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लग रहा है उसमें बना दो, ठीक है जी। मेरे को ना ये सारे छोटे छोटे डिजिट लग रहे हैं, ये सारे सारे क्या लग रहे हैं, छोटे छोटे डिजिट, और ये क्या है बड़ा डिजिट, तो मैं बड़े डिजिट से पंगे क्यों लूं, है क्या मेरे दिमाग में फोड़े, नहीं भाई, मैं भाई बहुत तरीके से चलना चाहता हूँ, मैं इतना सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मेरे ना भाई मेरे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैथमेटिशियन पता है क्या चाहते हैं, काम आसान करना, वो ये कभी नहीं चाहेंगे। अब ये मत बोलना कि हाँ आज तक तो हुआ नहीं काम आसान, ठीक है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, ठीक है। तो भाई वो सारी चीजें आसान है, वो तब आसान है जब आपको बेसिक्स पता है, और साथ ही क्या भाई आपको फ्लो पता है कि मेरा फ्लो भाई फॉर्मूले किस फॉर्मूले को पकड़ कर होगा। अगर आप बेटर फॉर्मूला पकड़ोगे तो आपका फ्लो भी उतना ही बेटर होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, छोटी डिजिट पे ज्यादा काम किया करो, क्यों, जब छोटी डिजिट पे काम करोगे तो फ्लो बड़ा अच्छा रहता है, बड़ी डिजिट पे काम करोगे तो कैलकुलेशन की वजह से कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, जैसे अभी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को टेन में बदल देंगे, तो एक एक करके उठाओ बच्चों, एक करके उठाओ, कंसीडर, अब ध्यान से देखना, कंसीडर साइन इनवर्स 5/13 बराबर एक्स, सही बात है क्या। मुझे बच्चों आपको वो स्टेप कराने की जरूरत है, जल्दी बताओ कि कॉस निकालो फिर टेन निकालो, क्या जरूरत है मुझे, नहीं, मैं भाई डायरेक्ट ये प्रोसेस आपको खुद करना है, कौन सा वाला कॉस वॉस निकालने वाला, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि टेन एक्स का आंसर आएगा क्या, टेन एक्स का आंसर आएगा 5/13, 169 -12, ठीक है ये आएगा, ठीक है। अभी ये कहोगे आप कैसे कर लेते हो, तो बेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास में आप सभी को ये चीज सिखाई गई होगी, मैं खुद अपने 10th क्लास के बच्चों को ये सब सिखाता हूँ कि कैसे हम साइन से डायरेक्ट टेन में, डायरेक्ट कॉस में कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बनेगा टेन इनवर्स 5/12, तो देखो ये भी एक्स के बराबर और ये भी एक्स के बराबर, तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भाई आप और क्या कंसीडर करेंगे कि कॉस इनवर्स 3/5 किसके बराबर, वाई के, तो कॉस वाई क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/5, ठीक है 3/5। फिर यहां पे आप प्रोसेस लगाओगे साइन वाला, ठीक है साइन निकालने वाला प्रोसेस, साइन वाई निकालने वाला प्रोसेस, ठीक है यहाँ पे कॉस एक्स निकालने वाला प्रोसेस, ठीक है। और प्रोसेस के बाद जो टेन वाई आएगा आपका वो क्या आएगा, ठीक है। तो भाई इनका क्या होता है बेस 3 और ये 5, तो यानी कि 4/3 आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा 4/3, तो यहां से बच्चों वाई आया क्या टेन इनवर्स 4/3, वाई की वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स 4/3, ठीक है। चलो अब एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, अब यह करो नाउ टेन इनवर्स 63/16 साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अच्छा तो यहां पे क्या लेंगे हम राइट हैंड साइड, अच्छा साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5 के हिसाब से हम क्या रख सकते हैं भाई, साइन इनवर्स 5/13, 5/13 ये 1 नहीं है -1 या इनवर्स है ये, ठीक है 5/13 के जगह पे क्या रख सकते हैं हम भाई, देखो ये भी एक्स के बराबर ये भी एक्स के बराबर, तो इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ टेन इनवर्स 5/12, ठीक है। इसकी जगह पे भाई देखो कॉस इनवर्स 3/5 वाई के बराबर है, तो ये भी वाई के बराबर, तो किसकी जगह पर रख सकता हूँ टेन इनवर्स 4/3। अब बताओ टेन ए प्लस टेन बी लगेगा फॉर्मूला, लगा दो टेन इनवर्स 2x, सॉरी 2x नहीं होता ए प्लस बी होगा ना, 5/12 प्लस 4/3 अपॉन में 1 माइनस 5/12 गुना 4/3, सॉल्व कर दो टेन इनवर्स, हाँ भाई 5 3 15, 12 4 48, 12 3 36, 1 - 5 6 20 36, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 48 और 15 कितने होते हैं जल्दी बोलो, 60 और 3 63 है ना, 63/36, 36 में से 20 गए 16/36, बस कुछ नहीं है 36 से 36 कट गया, टेन इनवर्स 63/16, क्या यही प्रूफ करना था, देखना जरा करना था कि नहीं करना था, यही प्रूफ करना था ना टेन इनवर्स 63/16, इतना नकली सा क्वेश्चन है ये स्टेप खा मत जाना कि हाँ भाई क्या, तो ये स्टेप लिखना है आपको प्रोसेस में, तो चलो मेरे को भाई इसका शॉर्ट ट्रिक पता है तो मैंने कर दिया।
हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4, ये प्रूफ करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भयंकर काम है ये। कुछ मत करो यार, इन दो में फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5, 1/7, है ना। और ये बनेगा टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7, सॉरी 8। तो टेन इनवर्स बच्चों सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 5 और 35, 1 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस टेन इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24, 1 माइनस 1 अपॉन 24। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं बस इसको सिंपल ही हम। 7 और 5 12/35, 35 माइनस 1 34/35, ये तो जानते हो ना कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल सी बात है। 8 और 3 11/24, 24 माइनस 1 23/24, 24 से 24 35 से 35, टेन इनवर्स 12/34 प्लस टेन इनवर्स 11/23। अब मैं समझ गया हूँ भाई क्या कर रहे, पता ही है, फिर से वही फॉर्मूला, टेन इनवर्स 12/34 प्लस 11/23, 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23, 23 ही आ रहा ना। हाँ ठीक है, अब सॉल्व कीजिए आगे। तो क्या बन जाएगा ये, टेन इनवर्स 23 × 12 तो कितना होता है, 23 × 2 = 46 का 6 रह गया 4, 23 × 1 = 23, 4 = 27 और 34 का 44, 4 = 33 और 4 = 37। ठीक है, नीचे मल्टीपल करेंगे तो 23 चौके कितना होता है भाई, 92, 2, 9 और 23 दिए कितना होता है, 69 और 9 78। ठीक है, तो इसी तरीके से 782 = 782 माइनस 12 × 11 = 132 और अपॉन में भाई 34 × 23 782। ठीक है, अब ये मत पूछना कि ये 782 यहाँ पे कैसे आया, अरे इन दोनों का मल्टीपल कितना है, 782 और वो 782 इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चलो 782 782 कट गया, टेन इनवर्स, हाँ भाई 6 4 10 1, 7 7 14 और 1 15, 1 3 5 6, 2 में 2 गया 0, 8 में 3 5, 7 में 1 गया 5, 6 50 650 कट गया, तो टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 10 11 12, ये सब क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन के लिए काम करना पड़ेगा, नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट जल्दी से इसको, जितने भी क्वेश्चन कराए उन पे एक बार नजर मार लो, फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, इसको नोट करो। हाँ भाई देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ आज मैं। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं ओवर करके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म भी कर दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, ज्यादा खास है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 12 ये करा रहा हूँ मिसलेनियस का। ठीक है, देखो इसमें तो भाई इतना तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट कर देता हूँ तो ये कॉस की टर्म बन जाएगी, हाँ कि ना, तो बस बात खत्म। हाँ जी, पुट एक्स बराबर क्या, टेन स्क्वायर थीटा। क्यों टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वही होता है क्या, cos2 थीटा। ठीक है, अरे cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने यहां पे टेन थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिया है। तो राइट हैंड साइड ले लो, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, बस अब आपका कहानी शुरू हो गई भाई। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, जल्दी बोलो, cos2 थीटा, है ना, cos से cos 2 थीटा, 2 से 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे कैसे, अरे स्क्वायर को उठा के इस पे ले जाओ तो क्या बनेगा, अंडर रूट बराबर टेन थीटा, है ना,
और फिर टेन को उठा के वहां ले जाओ तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स। देखो यही प्रूफ करना था, खा गई नहीं प्रूफ करना, ये हो गया प्रूफ। चलो अब इधर देख लो, ये सब क्वेश्चन बड़े बहुत लंबे लंबे मेथड से करवाए जाते हैं पता नहीं क्यों। चलो अब इधर देखो, यहाँ इस वाले क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन देख के आधी जनसंख्या तो पहले ही बोल देती है कि ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना है, हाँ जी छोड़ दो पेपर में ऐसा कुछ नहीं आने वाला, लेकिन पेपर में टपकता है फुल। हाँ जी, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो, अब देखना जरा ध्यान से देखना, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, नाइन आ रहा है, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, चार आ रहा है, बचा क्या, पाई बाय टू माइनस 9/4 तो कॉमन आ गया, साइन इनवर्स 1/3 बना कि नहीं बना। अच्छा अब एक चीज जानते हो आप, कौन सी चीज, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय टू के, क्या झूठ बोल रहा हूं मैं, नहीं ये जानते हो रूल। अच्छा अगर साइन इनवर्स एक्स को उठा के उधर ले जाओ तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, हाँ कि ना, जल्दी बोलो बनेगा। तो बस क्या मैं ये, क्या ये आपको पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स जैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, तो बस बात खत्म। 9/4 तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, हाँ भाई एक्स, एक्स की जगह पे कौन है 1/3, लेकिन भाई आंसर मुझे किस में चाहिए, साइन में, तो बस ठीक है ना कंसीडर। आपको पता ही कंसीडर करने में तो हम लोग एक नंबर माहिर हैं। 1/3 बराबर किसके, कॉस को उठा के उधर ले जाओ, कॉस एक्स बराबर किसके, साइन कैसे निकलता है, अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस 1 की 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8/9, भाई 8 का रूट क्या होता है 2√2 और 9 का क्या होता है 3, साइन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स 2√2/3, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। तो ये भी x के बराबर और ये भी x के बराबर, तो जल्दी बोलो। सो 9/4 cos इनवर्स 1/3 की जगह पे क्या मैं ये नहीं पुट कर सकता, हो गया काम खत्म, हैंस प्रूव्ड। कर रहा था कुछ, और इसे इतने भयंकर तरीके से लोग करवाते हैं कि हाँ भाई उठा के वहां ले जाओ, ये कर दो वो कर दो, अरे क्यों कर दो, इतना इजी से तो है नकली सा। मजा आया आज की क्लास में, चलो तो बच्चों ये पूरी क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नो इनवर्स ट्रिगो खत्म, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे यानी कंटिन्यूटी वगैरह, ठीक है। तो आज की क्लास ये नोट डाउन कर लो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।